मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। देखिए इस वक्त हम लोग द्वारका के सेक्टर 13 के इस्कॉन टेंपल में मौजूद हैं और इस वक्त सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि यहां पर कलश अभिषेक किया जा रहा है कान्हा जी का। आज कान्हा का जन्मोत्सव है और आप देखिए सीधी तस्वीरें, बहुत ही सुंदर नज़ारा। इसी नज़ारे को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे प्रभु जी द्वारा अभिषेक किया गया है, कलश अभिषेक किया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर अभिषेक कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से अभिषेक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि रात को 9:30 बजे तक ये अभिषेक इसी तरीके से चलता रहेगा। जिसकी भी मनोकामना है, जो भी भगवान पर अभिषेक करना चाहते हैं, वो इसी तरीके से दूध डालकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। प्रभु जी से सीधी बात, हाँ प्रभु जी से सीधा बातचीत करेंगे। प्रभु जी क्या कुछ कहेंगे, भगवान का अभिषेक किया जा रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी कर सकते हैं जो इस्कॉन के, या हर कोई कर सकता है? नहीं, ये हमने द्वारका के सभी रेजिडेंट्स के लिए फैसिलिटी रखी हुई है। कोई भी यहाँ पे कोई एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट हमने रखा हुआ है, आके कलश अभिषेक कर सकता है। इसके अंदर हम भगवान का पंचामृत से अभिषेक करवाते हैं, जिसके अंदर दूध, शहद, दही और भी कई चीज़ें, तुलसी वगैरह मिला के इसमें भगवान का अभिषेक करते हैं जी। तो यहाँ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जो लोग आ रहे हैं वो एक एक कर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद अद्भुत और बेहद खास हो जाती हैं। देखिए सभी लोग ये कर रहे हैं, एक मिनिमम अमाउंट रखा गया है जो वहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो है ये कहीं ना कहीं चनामृत है जिसमें 5 तत्व मिले हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर नज़ारा है। ये अभिषेक की बात हो गई, यहाँ पर लोग भी कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगी तो यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं उनका फोटोग्राफ्स भी निकाला जा रहा है। अभी आगे चलेंगे, बाकी पंडाल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आज इस्कॉन टेम्पल के अंदर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कृष्ण जी का, वो सारी तस्वीरें आज इस वीडियो के माध्यम से तो आपको दिखाएंगे ही। देखिए दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तो कलश अभिषेक हो ही रहा है, यहाँ पर भी कलश अभिषेक किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछली बार जो व्यवस्था थी उसको सुधारते हुए इस बार 2-2 जगह कलश अभिषेक रखा गया है, ताकि भीड़ भाड़ ना हो, कंजेस्टेड ना लगे। गर्मी का वैसे ही समय है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर भी लोग देखिए, यहाँ पर कान्हा और सीता माँ की फोटो, वो वीडियो मूर्ति है और यहाँ देखेंगे कलश अभिषेक किया जा रहा है। तमाम लोग हैं, सामने पुजारी जी हैं, अभी लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है। क्या नाम है मैम आपका? लक्ष्मी महिमा देवी दासी। क्या कहेंगे, अभी अभिषेक किया कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जन्माष्टमी इतना पवित्र दिन है और इस दिन पे भगवान का अभिषेक करने को मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। कितने खुश है सर आज के? बहुत बहुत खुश है, बहुत खुशी है। आज भगवान के प्राकट्य दिवस है, उस दिन अगर भगवान के अभिषेक करोगे तो इससे बड़ा और चीज और क्या हो सकता है। आज का दिन के लिए इंतजार कहीं ना कहीं कृष्ण भक्त बहुत समय से करते हैं, अब जब यह दिन आ गया है तो कितनी खुशी है। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावन और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।